नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है ज्ञान एंड विज्ञान। और आज मैं आप सबको बताऊंगा 10 वो तरीके जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत मौजूद हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साइड में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, उसी तरीके से भूत और प्रेतों के लिए भी दुनिया में कई सारे सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल्स पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, एक दो बार होता है, तो ये शायद आपका वहम है। लेकिन अगर बार बार ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको ज़रूर सतर्क हो जाना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको 10 ऐसे सिग्नल्स जिससे आप ये पता लगा सके आपके घर में भूत प्रेत है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, कोई आपके पीछे खड़ा है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है या फिर आपका अकेले में कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये भूत प्रेतों के सिग्नल्स की तरफ इशारा करता है। दूसरा, चीज़ें अपनी जगह से खिसक जाना। दोस्तों, ये शायद आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही हो, लेकिन अगर आपको बार बार ये एहसास हो कि आपकी रखी गई चीज़ें उस जगह से हिल रही है या कहीं और मिल रही है तो शायद ये भूत प्रेतों की तरफ इशारा कर रही हैं। तीसरा, सोते समय फुसफुसाने की आवाज़ आना। दोस्तों, अगर आपको सोते समय कान में फुसफुसाने की आवाज़ आए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, शायद ये भूत प्रेतों की तरफ इशारा कर रहा हो। चौथा, आवाज़ सुनाई देना। दोस्तों, रात में या शाम को सन्नाटे में अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देना जो नॉर्मल ना हो, जैसे कि किसी चीज़ के हड़बड़ाने की आवाज़ या कुछ खटखटाने की आवाज़, तो ये शायद भूत प्रेतों की तरफ इशारा कर रहे हों। पांचवा, लगे कमरे में आपके अलावा भी कोई और हो। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके कमरे में आपके अलावा भी कोई दूसरा है जो आपके तरफ देख रहा है तो शायद ये आपको भूत प्रेत की तरफ इशारा कर रहा हो। छठी चीज़, अचानक से बीमार पड़ना। दोस्तों, अगर आपके घर के कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाएं जिनका कारण डॉक्टर भी ना बता पाए, या आपके घर के छोटे बच्चे जो अजीब हरकत कर रहे हो, या फिर वो बार बार रो रहे हो, या फिर उनका मन ना लग रहा हो, तो ये शायद भूत प्रेतों की तरफ इशारा कर रहा हो और आपको जल्दी सतर्क हो जाना चाहिए। सातवीं चीज़, जानवरों का अजीब व्यवहार। दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि जानवरों को खतरों का पहले से ही एहसास हो जाता है, और अगर इसी तरीके का कुछ व्यवहार अगर आपके घर में भी हो रहा हो, जैसे आपके पालतू जानवर अचानक ही अजीब व्यवहार करने लग जाए या फिर वो बार बार बेचैन होने लग जाए, तो ये शायद भूत प्रेतों की तरफ इशारा कर रहा हो और आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। आठवीं चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान का ख़राब हो जाना। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और आज हर एक घर में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस तो होते ही हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो जो बार बार बिगड़ जा रहा हो या बनाने के बाद भी काम ना कर रहा हो, तो ये एक तरफ से भूत प्रेतों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का ख़राब होने का एक सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव एनर्जी, जो कि भूत प्रेतों में पाई जाती है। नौवीं चीज़, भूतों का सपनों में आना। दोस्तों, आप ये माने ना माने पर भूतों का सपनों में आना एक बहुत ही बड़ा कारण है, और इसका सबसे बड़ा कारण है भूतों का आपके घर में मौजूद होना। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भूत आपके सपने में तभी आते हैं जब वो आपके घर में या आपके पलंग के साइड में जहाँ पे आप सो रहे हों वहाँ मौजूद हों, ताकि भूत प्रेत आपसे संपर्क कर पाए। वो आपसे संपर्क बनाने के लिए ही आपके सपने में आते हैं। दसवीं चीज़, परछाई का दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर अचानक दुर्गंध या फिर परछाई दिखाई देती है जिसका कोई कारण नहीं बनता, तो आपको समझ जाना चाहिए ये आपके घर में भूत प्रेतों की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।